इंग्लैंड ने हमें इस तरह निचोड़ के रख दिया है, और आप बात कर रहे हो वर्ल्ड कप की, और भाई पहले इंग्लैंड से तो जीत लो, और 9 जून को इंडिया से छोड़ो और 6 जून को जाके यूएसए की तैयारी करो, यूएसए से कैसे जीतना वो सोचो। पाकिस्तानी टीम को चाहिए ये गजरे पकड़े हैं, ये पहने और छनकने बजाएं, आप लोग इस काबिल हो यार, इंग्लैंड जैसी टीम से हार गए। हिस्ट्री उठा के देख लें, 2007 से लेके 2024 तक पाकिस्तान ने हर वर्ल्ड कप के अंदर एक अपसेट जरूर लगवाया, किसी से देख लें, देखें हम जिम्बाब्वे से आ रहे 2022 में, 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से आ रहे, 2021 में भी ऐसे किसी से आ रहे थे, तो ये हमारी हिस्ट्री है कि हम नॉकआउट जरूर लगवाते अपसेट। तो मुझे लग रहा है इस दफा यूएसए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उसके पास कोरी एंडरसन है न्यूजीलैंड का, जिसके पास एक टाइम में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था, अगर वो पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट चल जाता है तो भाई साहब वो विन करवा देंगे, क्योंकि उसका होम ग्राउंड है, उसको होम ग्राउंड का एडवांटेज है। जहाँ पर हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तानियों का तमस्कुर उड़ा रही है कि यार आप लोग तो आयरलैंड से हार गए हो, न्यूजीलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हम हार तो रहे हैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि भाई हमारी टीम बड़ी कमज़ोर है। जिस दिन आपके साथ मुकाबला होगा इंशाल्लाह आप लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि तारीख के सुनहरे हरूफ और अल्फाज में याद किया जाएगा। कि देखो ये पाकिस्तान की टीम वो घंटा बन चुकी भैया, जिसको जो जो आता है बजा के चला जाता है और बजाने के बाद ठोक के चला जाता है, आयरलैंड न्यूजीलैंड और आज इंग्लैंड ने भी इसका घंटा बजा दिया, ये पाकिस्तान टीम के हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंग्लैंड जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का जो ड्रीम है वो शैटर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से पहली सीरीज ड्रा की है उनकी सी टीम से, फिर आयरलैंड से हम एक मैच हारे हैं बाद में चाहे तो जीत गए, और आज हम इंग्लैंड से हार गए। भाई वर्ल्ड कप तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले सीरीज तो जीत लो यार, मतलब हम आगे के ख्वाब देखने पहले लग जाते हैं यार, दूर के ख्वाब सुहाने, मतलब ये वाली मिसाल आप लोगों के ऊपर सही जचती है। हम पाकिस्तानियों को बेसिकली ने बेवकूफ़ बना दिया है, सींग लगवा दिए हमारे जो नजर नहीं आते, इस तरह के सींग लग गए हैं, इंग्लैंड ने हमें इस तरह निचोड़ के रख दिया है, और आप बात कर रहे हो वर्ल्ड कप की, और भाई पहले इंग्लैंड से तो जीत लो। आपकी टीम आज 9 प्लेयर्स के साथ उतरी है, बल्कि 9 भी नहीं 7 प्लेयर के साथ बोलूंगा, आपका इफ्तिखार, शदाब, आजम खान और साइमियो, ये 4 प्लेयर्स को काउंट ना करो आप, ये उस दूसरी टीम की साइड से खेलते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड साइड 15 के साथ होती है और हमारे 7 प्लेयर्स टोटल होते हैं। यार जब तक आप इस तरह के प्लेयर्स रखेंगे, ना आपका फिटनेस का क्राइटेरिया है, ना आपका परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया, साइमियो किस क्राइटेरिया के बेस पे है, इस दफा पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी कोई खास, ठीक है अगर यही क्राइटेरिया रखना तो भाई फरहान को ले आओ, साहब ज्यादा फरहान, हसीबुल्ला खान को ले आओ, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बेटर थी, आजम की जगह आप किसी और कीपर को, हसीबुल्ला खान एज अ कीपर भी आओ वो दो जगह भी यूटिलाइज हो सकता है लड़का, ठीक है उसको हम निगलेक्ट करें, मोहम्मद हारिस जो मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है उसको निगलेक्ट करें, यार आज 184 रन अगर मैं जनरली कहूँ तो ज्यादा नहीं थे, आज बॉलिंग को क्रिटिसिज्म करना नहीं बनता, शदाब के अलावा शदाब को बनता है यार हर मैच में 50+ रन खा रहा है, रिकॉर्ड हो गया है कि अपनी हिस्ट्री के अंदर उसने 3 दफा 50+ रन खा लिया, पाकिस्तान का पहला प्लेयर बन गया, ठीक है ये शदाब को बनता है, अदरवाइज 184 रन चेजेबल थे, जैसा फखर ने स्टार्ट दे दिया था भाई, उसने कब बोला था मैं इससे पहले 200+ रन के पीछे जाऊंगा, 200 स्ट्राइक से प्लस खेलूंगा, उसने खेला पहले ओवर में, उसने आर्चर को चारों तबक रोशन कर दिया, 1 ओवर में 70 रन डाले, उसके बाद आर्चर को 3 ओवर में 10 रन पड़े, रीजन क्या था, रीजन था आजम स्ट्राइक पे आ गया, इफ्तिखार स्ट्राइक पे आ गया, शदाब आ गया, इमाद आ गया, यार जब तक आप इस तरह के ठुल्ले प्लेयर्स रखेंगे यकीन करें कि आप कभी भी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस, इवन कि आप तो बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वर्ल्ड कप में कहां करेंगे। यार सीधी सी बात है, पाकिस्तानी टीम की जो सिचुएशन जा रही है, ना इनको समझ आ रही है कि हमने बैटिंग कैसे करनी, ना इनको समझ आ रही है हमने बॉलिंग कैसे करनी है, मतलब कि ये वो टीम पाकिस्तान की बन चुकी हुई है कि वो जो छपड़ियों वाली टीम है, ना इनको ये समझ आ रहा है कि यार देखो कि पाकिस्तानी आवाम जो है इनको सपोर्ट करती है, इनके हर लिहाज से इनके साथ रहती है, लेकिन आज देखो पाकिस्तान की टीम की बैटलाइन कैसे थी, सबसे पहले नंबर पर रिजवान आया, डक करके गया, 0 स्कोर पे कर गया, और उसके बाद ये हमारे जो महान जो बैट्समैन है ना बल्लेबाज जो है साइमन अय्यूब, वो आए हैं वो आगे यानी कि वो बेड़ा गर्क ही कर गया, ना उनसे यानी कि बैटिंग होती है, ना उनसे कोई परफॉर्मेंस होती है, बाबर आजम ने टीम को संभालने की कोशिश किया, उसके बाद जी बाबर आजम साहब विकेट देकर निकल गए, ठीक है बिल्कुल LBW हो गया, और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो अजीम बैट्समैन जो हमारे सबसे अच्छे यानी कि बड़े बैट्समैन और जानदार बैट्समैन आजम साहब आते हैं, बिल्कुल पांडा जी, गंडा जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, आजम साहब का, वो आते हैं वो आगे जी मैं बड़ा विकेट के ऊपर जब पांडा साहब खड़े होते हैं ना तो विकेट नहीं नजर आती बॉलर को, और ये खड़ा होगा छक्के जो कैसे मारे कि बैट्समैन की धुएं निकाल दे, और इसके खुद के धुएं निकल, एक शॉट मारता है उसके बाद इसके धुएं निकल जाते हैं, 2-3 चौके मार के इसका फुस हो गया, 11 स्कोर पे ये आपका आउट हो गया, फखर चला है, फखर ने आगे मैच संभाला है, और उसने ही तो जो 47 स्कोर करना था वही कर गया, उसके बाद पाकिस्तान की आगे बैटिंग लाइन चली नहीं है, 160 स्कोर के ऊपर पूरी टीम आउट, ऐसी टीम के साथ हमने मैच खेलने हैं, ये टीम अगर पाकिस्तान की टीम ना तो चलेगी ना कि रुकेगी ना इसका कुछ होना है, देखो ये पाकिस्तान की टीम वो घंटा बन चुकी हुई है, जिसको जो जो आता है बजा के चला जाता है और बजाने के बाद ठोक के चला जाता है, आयरलैंड न्यूजीलैंड और आज इंग्लैंड ने भी इसका घंटा बजा दिया, ये पाकिस्तान टीम के हालात। असल में हमारी बदकिस्मती है कि बार बार हम मैच हार जाते हैं, उम्मीदें होती है कि यार ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन देखने को ये मिलता है कि टीम पता नहीं किस तरह की कारकर्दगी
और परफॉर्मेंस देती है जिससे लोग मायूस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये कभी आयरलैंड से भी आ जाते हैं, कभी कभार पूरी दुनिया को भी शिकस्त दे जाएंगे, इनका पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं बड़े एहतियात के साथ ये बात कर रहा हूँ कि यार अभी मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी ऐसे है वैसे है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खेलना नहीं आता, बॉलर्स इनके अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा वक्त आ जाएगा कि यार उनके सामने वो मजबूत से मजबूत तरीन टीम भी आ जाना है, वो उनको शिकस्त दो चार कर सकती है। हमारी बॉलिंग का कसूर है, बैटिंग का या अपनी कैप्टनसी का कसूर है? भाई हर चीज का कसूर है, यहाँ इनका होना ही कसूर है। बेसिकली पहला तो ये है कि इनका होना कसूर है। यहाँ पे बाबर साहब को इन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है, उसको उड़ता जहाज पकड़ने का बड़ा शौक है। मतलब भाई एक बंदे के पास कैप्टनसी थी, तुझे किसने कहा कि कैप्टन बन दोबारा? तो खुद की परफॉर्मेंस होती नहीं है, बीच में फिर कैप्टनसी का प्रेशर भी आ जाता है। भाई आज आपने बॉलिंग देखी है, शादाब खान की बॉलिंग देखी है, लग रहा था आपको कोई इंटरनेशनल प्लेयर नजर आ रहा है। एक फ्रेंचाइज का कैप्टन है ये, समझ आइए ना। अगर हाँ जी इस्लामाबाद का कैप्टन है, अगर आईपीएल के कैप्टन को देखो तो उनकी परफॉर्मेंस आसमानों को छुरी होती है। और हमारे यहाँ किधर इधर इनको भाई रिकॉर्ड रन पड़ रहे होते हैं, इसका रिकॉर्ड स्पेल है आज शादाब खान ने जो दिया है, 55 लगा ऐसे ही है। और दूसरी जाने भाई हर बंदा कह रहा था यार ये पाकिस्तान जीत सकता है जितने को रन उन्होंने बनाया ना, लेकिन ऊपर से हमारी बॉलिंग चलती है तो बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, बैटिंग चलती है तो बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है। कहाँ देखते हो आप? ओ सैम अयूब को मैं गटर में देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखता हूँ, उसकी कहात ही यही है भाई। यार कितना एक बंदे को हमने कितना मौका देना है, और बता दे मुझे ये बाबर आजम साहब के पास, मुझे तो लग रहा है यार सैम के पास बाबर की कोई लीक वीडियो है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर नहीं निकाल रहा। और यही बात हो सकती है ना भाई, और क्या बात हो सकती है कि एक बंदा इतनी बुरी से बुरी परफॉर्मेंस दी जा रहा है फिर भी आपने उसको टीम में रखा हुआ है, या तो वो तुम्हारा अब्बू हो सकता है फिर इस वजह से रखा होगा, या लीक वीडियो हो सकती है, इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना यार। मतलब आजम खान ठुल्लू साहब को देख लो, पांडा साहब को भाई, यहाँ पे वो बॉलिंग यहाँ पे दे रहा है जॉर्डन तो ऐसे ऐसे करके खेल, उसे टच नहीं हो रही यार, ये उसके हालात हुए हैं। फ्री हिट उसने दी, उस पर सिंगल खेल रहा है यार, मतलब कोई लेवल होता है यार। तुम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो ना के गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हो। वर्ल्ड कप में हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको? ये ठुल्लू पकड़ाएंगे आप लोगों को भी और मुझे भी पकड़ाएंगे, यही मिलना है और क्या होना है, खुद तो हमसे भी बड़ा वाला पकड़ेंगे। और भाई ऐसे ही होना है, जहां भी आप लोग इधर इंग्लैंड से नहीं जीत रहे हो तो वहां पे इंडिया होनी है, ऑस्ट्रेलिया होनी है, कैसे जीतोगे? और भाई आपको 9 जून से आपका इंडिया का मैच है, और 9 जून को इंडिया से छोड़ो और 6 जून को जाके यूएसए की तैयारी करो, यूएसए से कैसे जीतना वो सोचो, बैठो उधर मीटिंगें करो रूम में, एसी वाले रूमों में बैठो, 56-57 लाख जो है ना वो सैलरीज लो जेबों में डालो, अब हमारी बिस्ती करवाओ आवाम की, हमें लानते पड़वाओ। यार देखिए बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत इशू उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बॉलर्स को सही यूटिलाइज नहीं किया, शादाब को अगर स्कोर लग रहा है अब उसे वेट करो, एक मैच ना भी ओवर दोगे तो कुछ मसला नहीं हो जाएगा। और रही बात जैसे बाबर खुद ओपनिंग नहीं है, रिजवान को ओपनिंग करवाई है, और बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर हर चीज़ हमें हिलता हुआ नजर आया। यार देखिए मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूँ, एज अ बैट्समैन बाबर आजम बहुत तगड़ा प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन बाबर आजम फ्लॉप है नो डाउट। देखिए उसने 45 विंस तो किए हैं, लोग कहते हैं वो मोस्ट T20 सक्सेसफुल कैप्टन है, लेकिन उसके मैचेस भी देखो 82 मैचेस हो गए हैं, ठीक है। बाबर आजम ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस करवानी थी तो इमाम अजम को पावर प्ले के अंदर 2 से 3 ओवर करवाता। सरफराज की कैप्टनसी में पाकिस्तान 11 सीरीज इन अ ट्रॉट विन किया था, रीजन क्या था? फहीम अशरफ उन दिनों अच्छी बॉलिंग करता था, साथ में इमाद वसीम, वो दोनों पावर प्ले के अंदर आके 4-4, 3-3 ओवर कर जाते थे। यार ये रीजन था, आप दोस्ती को आगे लेके, आज जनरली मुझे लगा कि दोस्ती को आगे लेके आ रहा है, आया जा रहा है। शादाब को बाबर आजम ऊपर लेके आ रहा है, इमाद वसीम को पीछे धकेल रहा है। देखिए शादाब के 4 ओवर का कोटा बुरा हो गया, उसके बाद इमाद आया, इमाद को 4 में 19 लगा, 2 आउट किए, उसको 4 में 55 लगा। अब डिफरेंस इधर से आपको पता चल रहा है, ठीक है। शादाब को बैटिंग में भी पहले भेजा गया, शादाब को हर साइड से प्रायोरिटी दी जा रही है, 3 रन टोटल उस बंदे ने किए और क्रूशियल विकेट आके दी। यार वर्ल्ड कप के अंदर 9 जून तो हमारा डू एंड डाई मैच है, इंडिया से हम जीतेंगे या हारेंगे, चलो सोच लेते हैं हम हार जाएंगे, अगर बाकी टीमों की तरफ से हमें कोई मिसहैप हो जाता है, हम हार जाते हैं तो हम शायद हम आगे अगले राउंड के अंदर ही ना जाएं। यार हिस्ट्री उठा के देख लें, 2007 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने हर वर्ल्ड कप के अंदर एक अपसेट जरूर लगवाया, किसी से देख लें। देखें हम जिम्बाब्वे से आ रहे 2022 में, 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से आ रहे, 2021 में भी ऐसे किसी से आ रहे थे, तो ये हमारी हिस्ट्री है कि हम नॉकआउट जरूर लगवाते हैं अपसेट। तो मुझे लग रहा है इस दफा यूएसए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उसके पास कोरी एंडरसन है न्यूजीलैंड का, जिसके पास एक टाइम में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था, अगर वो पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट चल जाता है तो भाई साहब वो विन करवा देंगे, क्योंकि उसका होम ग्राउंड है, उसको होम ग्राउंड का एडवांटेज है, आपको ये चीज़ मद्देनजर रखनी है। मैं मानता हूं कि अभी जनरली हमारा इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता, इंडिया अबव है हमारे से भाई, उनका लेवल ऊपर जा चुका है, वो ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा अभी जो हमें लाले पड़े हुए हैं विनिंग के लाले पड़े हुए हैं। यार यूएसए से कैसे जीतना, आयरलैंड से कैसे जीतना, कनाडा से कैसे जीतना, अगर इनसे क्वालिफाई करते हैं वेस्ट इंडीज से कैसे विन करना है। यार आज इंग्लैंड की साइड देखें, अभी उनकी प्रॉपर साइड नहीं थी, अभी मार्कवुड बाहर बैठा था, अभी सैम करन बाहर बैठा था, वर्ल्ड कप में वो भी आ जाएंगे तो हम कैसे फेस करेंगे? आपका सिस्टम A to Z क्लैश कर चुका है, देखें जिस तरीके से आपका जो चेयरमैन है भाई साहब वो 3-3 जॉब ज्यादा टाइम कर रहा है, उसको पता ही नहीं क्रिकेट में किस बंदे को लेकर है।
अभी वहाब रियाज रिटायर नहीं हुआ था, आपने उसको चीफ सेलेक्टर बना दिया। अभी एस एस शफीक रिटायर नहीं हुआ था, आपने उसको सेलेक्टर बना दिया, उसने बाद में रिटायरमेंट दी। यार आपको यही नहीं पता आपने प्लेइंग 11 कौन सी लेके जानी, आपने 15, अब पाकिस्तान ने रिजर्व नहीं रखा वर्ल्ड कप के लिए कोई। अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है यहाँ से यूएसए जाने के लिए, पहले हम बेसी आपको वीजा देगी, उसके बाद पहुंचने में आपके 6 से 7 दिन राउंड वर्ल्ड लग जाएंगे, उतने में पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाएगा वर्ल्ड कप से। आपकी ये तैयारी है, आप कह रहे हैं हमने एंड में स्क्वाड देना है, यानी कि यार कनाडा ने स्क्वाड दिया, आपने 2 घंटे पहले स्क्वाड दिया, और वो स्क्वाड दिया जो इंग्लैंड की एक नॉर्मल टीम से बीट हो गया। ना इन पे वर्ल्ड कप का प्रेशर, ना इन पे अभी क्राउड का प्रेशर, अभी आज क्राउड कुछ ज्यादा नहीं था, जब वर्ल्ड कप में 35,000 का क्राउड या 40,000 का क्राउड होगा ये कैसे फेस करेंगे, जब वहां जाके इन पे वर्ल्ड कप का प्रेशर पड़ेगा। जब मिचेल स्टार्क, यार आजम खान क्या मुझे बता दो, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मार्क वुड, ये 4 बॉलर्स को कैसे फेस करेगा। जॉर्डन अभी स्लो थोड़ा सा बॉलर है, 140 पेस वाला है, उसने इसके पेट पे बॉलें मारी है, जो 145-147 और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ बॉलर आएंगे, आपका आजम खान किधर जाएगा, आपका सैमयूब किधर जाएगा। यकीन करो अभी भी टाइम है, होश के नाखून पीसीबी ले और अभी भी चेंजिंग कर सकता है, कोई ना कोई चेंजिंग करके यार डिजर्विंग प्लेयर्स को लेके आया जाए। जहां पर हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तानियों का तमस्कुर उड़ा रही है कि यार आप लोग आयरलैंड से हार गए हो, न्यूजीलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हम हार तो रहे हैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि भाई हमारी टीम बड़ी कमजोर है। जिस दिन आपके साथ मुकाबला होगा इंशाल्लाह आप लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि तारीख के सुनहरे हरूफ और अल्फाज में याद किया जाएगा कि हिंदुस्तान को इतनी इबरतनाक शिकस्त आज तक किसी भी मुखालिफ टीम ने नहीं दी थी, जो पाकिस्तान आपको देगा इंशाल्लाह करेगा। इंडियन मीडिया हमारा मजाक बना रहा है, उसका हम क्या करेंगे? इंडियन मीडिया सही मजाक उड़ा रहा है हमारा, वो कह रहा है कि यार तुम लोग हो ही इसी का, यार तुम लोग जब मैचेस आ रहे हो तो क्यों नहीं तुम्हारा इंडिया मीडिया मजाक उड़ाएगा, इंडिया के लोग हंस रहे हैं इसका पाकिस्तानियों पे। यार देखो पाकिस्तानी आवाम जब इंडिया को सपोर्ट करती है, उनकी बातें करती है, तब ये लोग कहते हैं कि यार ये देखो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखो कि जब पाकिस्तान की टीम फिर से हार गई है तो हम क्या बात करें इसके ऊपर, जब पाकिस्तान की टीम कोई परफॉर्मेंस करेगी तो ही हम इनका साथ देंगे ना, जब ये नहीं करेंगे तो जारी सी बात है, जब इंडिया परफॉर्म करेगा तो हम उसकी बातें करेंगे। और इंडिया का मीडिया से सही इनका इनके साथ कर रहा है, सही इनकी कुतों वाली हो रही है। इंडियन मीडिया पाकिस्तान टीम का जो मजाक उड़ा रहा है ना सही मजा आ रहा है, क्योंकि ये कह ही इसी काबल, ये जलील होने के लिए आए हैं और जलील होते रहेंगे, और ये भाई बगैरत।